भारताचे माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांना सर्वोच्च नागरी पुरस्कार भारतरत्ननं गौरवण्यात येणार आहे. प्रकृतीच्या कारणास्तव वाजपेयींचा त्यांच्या निवासस्थानीच गौरव करण्यात येणार आहे. राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी सर्व प्रोटोकॉल बाजूला ठेवून वाजपेयींच्या निवासस्थानी त्यांना गौरवण्यासाठी जाणार आहेत. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सुद्धा उपस्थित असतील. वाजपेयींच्या राजकीय कारकिर्दीसह त्यांचं सामाजिक योगदान, भारत पाकिस्तान मैत्री दृढ करण्यासाठी केलेले प्रयत्न आणि साहित्यातील भरीव योगदानाबद्दल वाजपेयींना भारतरत्न जाहीर झालाय. पंडित मदन मोहन मालवीय यांना 31 मार्च रोजी मरणोत्तर भारतरत्न प्रदान करण्यात येणार आहे. अटल जी भारत रत्न से सम्मानित हो रहे हैं और भारत रत्न का भी सम्मान अटल जी से है. दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और हमारा पूरा परिवार, हम सब लोग बहुत हर्ष महसूस कर रहे हैं. केवल किसी राजनीतिक पार्टी के लिए नहीं बल्कि समस्त देशवासियों के लिए यह बहुत ही हर्ष का विषय रहा है कि आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न की उपाधि से उन्हें नवाजा जा रहा है. मैं एक वाक्य में एक बात ही अटल जी के संबंध में कहना चाहता हूं कि वह भारत की राजनीति नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक ऐसे व्यक्तित्व हैं कि जिनका स्मरण होते ही मन के अंदर एक आदर श्रद्धा का भाव पैदा होता है. जी 24 तास रहा एक पाउल पुढ़े.